अमे पंचमी के वचन तुट प्रथमा के वचन चाप्य तीन पद है। अम धातु गत्यादि अर्थ में है, उससे अरण प्रत्यय होगा और अरण प्रत्यय के तुटागम हो जाएगा, तसे तुटागम अस्त तो तुट से तर बचेगा वहाँ पर। अम है तर है, अरण का अर बचा, ये चतुर में था वैसे यहाँ भी अरण में अर बचेगा, अकार उच्चारण अर्थ है, नकार संज्ञा हो गया आदि जात करने के लिए। तो हम अर तुटो से अम तर मकार कर स्वर प्रसवण कर दिया, अंतर ये बना। अंतर का अर्थ मध्यम, दहेर गो लोपो दश्चन दहेर गो लोपो दश्चन दहे पंचमी के वचन, गह प्रथम वचन, लोप प्रथम वचन, दह षष्ठी के एक वचन और च पे नह प्रथमा का एक वचन। दह धातु से, दह धातु भस्मीकरण है, उस धातु से ग प्रत्यय, गह मने ग प्रत्यय होगा और ग प्रत्यय प्रत्यय धातु और अंत से लोप, धातु के अंत कौन है हकार, उस हकार का लोप हो जाएगा और जो दकार था उस दकार को नकार हो जाएगा, दकार से नकार है थी। दह धातु से नग प्रत्यय ग प्रत्यय, दह धन ग, ह कलोप द धन ग, द को गया न, न धन ग नग बन गया नग, हे नग चेती नग भी बन सकता है गम धातु से, नग मने पहाड़, जो गए जो घूमे फिरने पहाड़, पहाड़ को नग बोलते हैं। हाथी को भी कह देते हैं नग, हाथी को भी नग कहा जाता है, पहाड़ जैसा दिखता है आदमी के लिए उसने उसका नाम नग रख दिया। सिचे संज्ञायाम हनुमौ कश्च, सिचे संज्ञायाम हनुमौ कश्च, सिचे पंचमी के वचन, संज्ञायाम सत्य के वचन, हनुमौ प्रथमा का द्विवचन, कह प्रथम वचन चव्य, कहते हैं सिच शरणे धातु, इससे अस्मात कहां पे जो कह क प्रत्यय स्यात्, क प्रत्यय होगा, धातु और अंत से हकार आदेशो, धातु क्या है सिच, उसके अंत कौन है च, उसको हकार आदेश हो जाएगा और साथ साथ धातु को नुम आगम भी हो जाएगा, नुमौ हनुमौ, नुम से पीछे नुम के नकार बैठेगा, नकार अनुस्मार हो जाएगा, सिचता वो बन गया भी सिंह, च को ह कर दिया, क प्रत्यय पर में क बचा है, सिंह धन अ कितना लघुपद गुण नहीं होगा, नुम हुआ अनुस्वार हो गया सिंह, स्वाद प्रति सिंह, पशु विशेष व्यांगी घ्रातिश्च जातो, व्यांगी घ्रातिश्च जातो, व्यांगी सप्तमी का एक वचन, घ्राते है पंचमी का एक वचन, च भी जातो सप्तमी का वचन, क प्रत्यय स्यात् पुरुष से क प्रत्यय अनुवृत्ति है तो क प्रत्यय स्यात्, वी और आंग यह दो उपपद में रहते हुए घ्रा धातु से क प्रत्यय हो जाता है, जब समग्र के द्वारा जाति अर्थ गमान हो तो जातो कह दिया तो व्याघ्रह बन जाएगा, घ्रा गंधोपादाने धातु है सुगनार्थ वाला गंध को ग्रहण करना, तो वी आ और घ्रा धातु, घ्रा से क प्रत्यय, वी आ घ्रा यण हो गया व्याघ्रा और क है, क है कित अबचाया वहां पर कितवाद आकार का लोप हो गए धातु के, क क्या मिला दिया व्याघ्र बन स्वायत्पत्ति व्याघ्रह, पशु जाति विशेष में रूढ़ है। हंतेर अच घुर च, हंतेर अच घुर च, हंते है पंचमी का वचन, अच प्रथमिक वचनांत, घुर प्रथमिक वचनांत, चव्य हन धातु से अच प्रत्यय होगा, हन हिंसा गत्य हो दस अच प्रत्यय होगा और अच प्रत्यय के संयोग शिष्ट में धातु जो हन है उस स्थान में घुर आदेश हो जाएगा, घुर आदेश होगा तो क्या हुआ अच के प्रत्यय हुए घुर अ हो जाए, हन को घुर हो गया, घुर अ है लघुपद गुण घोर मिला देंगे, घोर भगवान का नाम है घोर घोरम है ना, अघोर घोरेभ्यो घोरोदरेभ्य मंत्र आता है रुद्री में भी, घोर अघोर सब शिव जी का नाम है,
क्षमेरुपधालोपश्च क्षमेरुपधालोपश्च क्षमेः पंचम के वचन उपधालोप प्रथमे वचन चब्बे चाद अच प्रत्यय हो जाएगा। क्षमुष धातु सहन अर्थ में होता है, उसमें क्षम बचता है शित है और वो कार्य संज्ञा हो जाता है चला गया उदित हो जाता है। क्षम धातु से अच प्रत्यय हुआ क्षमधन अच। धातु उपधायाश्च लोप धातु के उपधा को लोप कर दो। क्षम में क्या था क्ष के अगलोप हो जाए क्षम हो जाए क्षम और क्षम में अच प्रत्यय क्षम बनेगा। स्त्री त्रिवक्षा में टाप हुआ क्षमा क्षमा मने पृथ्वी। अक्ष हल बनाओ क्ष हल नहीं है तो अक्ष को हल बनाना पड़ेगा। तरतेर ड्रीही तरतेर ड्रीही तरते है पंचम के एक वचन ड्रीही प्रथम एक वचनांत है। त्री प्लव संतरण यह दास ड्री प्रत्यवा ड्री का री बचेगा डिप्ता जो त्री धातु का पूरा दीर्घ री का लोप हो जाएगा त बचेगा धातु त धन ड्री मिला देंगे त्री बन जाएगा। और त्री यह संख्यावाचक है नित्य वचनांत है त्रया त्रीन त्रिभी त्रिभी त्रिभ्य त्रिभ्य त्रयाणाम बनेगा है ना त्रय च है ना सूत्र आदेश कर देता है त्रि को त्रय आदेश कर देगा त्रयाणाम और त्रिशु फिर बनता है। ग्रहे रनि ही ग्रहे रनि ही ग्रहे पंचमी के वचन अनि प्रथम के वचनांत है। ग्रह उपादान धातु से अनि प्रत्यय हो जाता है। ग्रहदान अनि मिला दो और कोई काम है नहीं ग्रहणी एकाधिक कित कर संप्रसारण आदि हो जाता ऐसे कित वगैरह कुछ भी नहीं है अनि प्रत्यय है ग्रहणी ही। एक ग्रह के रेफ के कारण से दंत नकार मूर्धन्य हो गया और नीच होकर के ग्रहणी मानी व्याधि वेधा ग्रहणी एक रोग विशेष है अतिसार रोग पेट भागता है बार बार शौच होना पतला पतला होना ग्रहणी संग्रहणी एक रोगी हो जाता है। अधिकतर संग्रहणी रोग से मर ही जाते हैं जलोदर रोग भी बोलते हैं उसको व्याधि वेद में बनता है। प्रथे रमच प्रथे रमच प्रथे है पंचम के एक वचन अमच प्रथम एक वचनांत है। प्रथ प्रख्याने धातु से अमच प्रत्यय होता है। अमच में अम बचा प्रथ और अम मिला देंगे प्रथमहार बनेगा। चरेश्च चरेश्च चरे है पंचम के वचन चे अमच प्रत्यय होगा चर धातु से। चर धातु गति भक्षण यो तो चर अमच प्रत्यय होने से अम बचा चर धन अम चरम स्वाद प्रत्यय होगा चरमहार बनेगा। उणादि का अंतिम सूत्र आते मंगेर अलच मंगेर अलच धातु इदित होने के नाते मगी गतो नुम हो गया मंग धातु उसको लेकर मंगे है कह दिया गया है। पंचमी के एक वचन अलच प्रथम एक वचनांत है। मंगलम बन मगी गतो धातु से मंगलम समाप्ति में मंगलवाचक शब्द मंगलम शब्द ही मंगलवाचक। इस प्रकार से उणादि के पांचों पाद पूरा हो जाते हैं। टीका हमें स्तुट अमगत्यादिशो असमाधरण से आर्थ उस अरण प्रत्यय तस्य तुड़ाग दीर्घो लोपो दशना ध भस्मीकरण अस्माद ग प्रत्यय धातुरंत्य से लोप धकार से नकारश्च धकार से नकार भी आदेश होगा। सिज संज्ञायाम शिजक्षरणे अस्माद ग प्रत्यय धातुरंत्य से हकारादेशो नुम सियात धातु स हो गया। व्यांगी ग्रातिश जात वी आंगी इत्युपसर्गे उपपदे ग्रह गंधोपदान इत्यस्मा धातो हो क प्रत्यय सियात जातो वाच्यायाम व्याग्रित कित्वा हतलोप इटिच इति आलोप हंतेरच गुरच हन हिंसा गत्य असमच प्रत्यय धातुर्गुरादेश घोरमिति लघुपद गुण क्षमेरुपधालोपश्च क्षमुष सहने अस्मादच प्रत्यय धातुरुपधाय लोपश्चेत्यर्थः क्षमावनिर्मेदिनी मही इत्यमरः पर्यायवाच्य पृथ्वी का तरदेर ड्री त्रि प्लवन धरणयो अस्माद् ड्री स्यात् डित्तट्टिलोप त्रि ये रूप बनेगा। तस्य नित्यं भोजनान्तत्वादाह त्रय इति ग्रहेरणि ग्रह उपादान अस्मादनि प्रत्यय ग्रहणीर्दि
अटको बांगणों में दी नत्व हो गया। गीश पक्षे कैसे गीश हो जाएगा? कृति कराधक्ति नित्यनेन ग्रहणी रूप प्रवाहिका इत्यंबर। ग्रहणी रोग का नाम है कौन सी रोग? प्रवाहिका, बहते रहे, बार बार पानी शौच जा रहा है, मर भी जाता है। अब शौच ना रुके तो क्या हो? जो भी पानी पिया शरीर निकल जाएगा, ठीक है? कहीं नहीं तो क्या है, खत्म होगा वो। प्रथेर अमच प्रथ प्रज्ञान अस्माद अमच सत् प्रथम रूपम चरेश्च चर गति भक्षण और अस्माद अमच सत् प्रतिचरिभ्याम इत्येक योग एव कर्तुम शक्य। एक सूत्र बना सकते थे मंगेर लाच मगिर गत्यर्थ अस्माद अलच प्रत्यर्थ। मंगलम धातुरिदित्वात्म हुआ है, श्वश्रेयसम शिवम भद्रम कल्याणम मंगलम शुभम इत्यमरह। श्वश्रेयसम नित्य श्रेयस है जो शिव है, भद्र है, कल्याण है, मंगल है, शुभ है, पर्यायवाची। इस प्रकार सिद्धांत कौमुदी में बाल ब्रह्म व्याख्या पुणादियों का पूरा हो जाता है। तत्वबोधिनी हमें है, हम गति शब्द संभक्तिशु असमादरण से तस् त्रुडागमश्च तंस हो गया, बिंदु नहीं होनी चाहिए, तस् त्रुडागमश्च अंत शब्दो अभी प्रातः शब्द अव्यय है, अव्ययाम दह है, दस्मीकरणे नगो महीरुहे शैले भास्करे पवनाशने इति मेदिनी। नग कहते पेड़ को भी, महिरु मने पेड़, शैल मने पर्वत, भास्कर सूर्य को भी नग कह देते हैं। पवनाशने पवन मने वायु, अशन मने अग्नि, इनको भी कहते हैं। इति मेदिनी शिचक्षरणे हकार आदेश इति धातुर अंत्यसित्यर्थ। सिंह कंठी रवे राशौ सप्तमे चौत्तर स्थितौ सिंही क्षुद्र बृहत्योह स्याद्वासके राहु मातरी इति विश्वहा। सिंह शब्द कंठीरव को कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ को, राशि सिंह राशि, बारह राशि में से राशि का नाम है सिंह। जब उत्तर स्थित हो तो तब क्या होगा? उत्तर स्थितश्चेत सप्तमे, उस वर्ग का श्रेष्ठ पुरुष को भी कहा जाता है। वेदांत सिंह है, व्याकरण का सिंह है। नरसिंह नरों में सिंह है, नरों में श्रेष्ठ है। और कहते हैं कि सिंह ही शब्द स्त्रीलिंग में हो तो क्षुद्र को कहते हैं, बृहति बृहति को भी कहते हैं, वासके और राहु के माता में। व्याघ्र सियात पुंसी शार्दूले रक्तैरंड करंजयो हो श्रेष्ठ न राजस्थ कंटकायांच योषिति तिमेदिनी। व्याघ्र जब पुलिंग में होगा तो शार्दूल, वही जो पशु है उसको शार्दूल भी कहा जाता है। रक्तैर अंड करंजयो रक्तरंग से युक्त अंड और करंज, उनको भी लिया जाता है व्याघ्र शब्द से। श्रेष्ठ अर्थ होगा जब नराज उत्तरस्थ, मनुष्य में श्रेष्ठ है। स्त्रीलिंग में होगा तो कंटका अर्थ में भी होता है, कंटकायांच योषिति। व्याघ्र सिंह पर्यायवाची ले रहे हैं ना, सिंह मैंने पुरुष में नरव्याघ्र भी बोल सकते हैं, नरसिंह नरव्याघ्र। व्याघ्र सिंह पर्यायवाची लेके चल रहे, होता ही है लोक में भी लोग व्याघ्र सिंह पर्यायवाची प्रयोग कर देते हैं। अंते अंतेरक्ष्या धातुर गुर आदेश गुर आदेश घोरम भीमे हरे इति विश्वहा। हर को भी कहते, देखो भीम को भी। क्षमुशाने क्षमावनीर मेदिनी महीत्यमर तरदे हे ड्री होता है तो डित्वा टीलोप हो गया। ग्रह ग्रह उपादाने गीश कृतिकारा इत्यंतेना इत्यनेन होना चाहिए, कृतिकारा दक्तिन इत्यनेन इत्यंतेन हो गया है, इत्यनेन ये ठीक करना पड़ेगा। इस सूत्र के द्वारा गीश हुआ। ग्रहणी रूप प्रवाह कहते हमारा प्रदेह प्रथमस्तु भवेदादो प्रधाने पिच वाच्यवती मेदिनी। प्रथम शब्द जो है आदि अर्थ में होता है और प्रधान अर्थ में होगा तो वाच्य अनुसार लिंग होगा। प्रथम चरम इत्यादि सूत्र में वैकल्पिक सर्वनाम सर्वनामत्वात् पक्षे जस शी भाव प्रथमे प्रथमा इरुबंता, इसलिए
चरेश्च चरगति वक्षणाय धातु से चरमे मने चरमा ये भी उसी सूत्र में है प्रथम चरम। योग विभागस् चिंत्य प्रयोजन प्रतिचरिभ्याम इत्येव सुवचन। मंगे है उकौखी इत्यादि दंडके गत्यर्थको मघी पट्यते। कल्याणम मंगलम शुभम मंगलो ग्रह भेद मंगल ग्रह का विशेष भी है मंगल ग्रह। मंगलासित दूर्वायाम उमायाम पुंसि भूमिजे नपुंसकंतु कल्याणे कल्याणे सर्वार्थे रक्षणे पिचो। और मंगला शब्द होगा तो शीत दूर्वाया सफेद दूर्वा में घटाना। उमायाम हल्दी में भी मंगला कहते हैं। पुलिंग में हो तो भूमिजे और भूमि में भूमि से पैदा हुई उमाय भूमिजे उमायाम नपुंसकम अथवा मंगल ग्रह के भी लेंगे ना भूमिज पृथ्वीज नपुंसकंतु कल्याण नपुंसक में हो तो कल्याण अर्थ होगा। सर्वार्थ है रक्षा पीछे सर्वार्थ में भी है रक्षार्थ में भी है। भावेश मांगल्यम प्रयोग होता है तथा साधी यत मंगल्य भी बनेगा। मंगल्यस्यात्रायमाण अश्वत्थ बिल्व सूर के मांग मंगल्य शब्द प्रयोग होता है त्रायमाण वस्तु को अश्वत्थ पेड़ को बेल का पेड़ को और मसूर के पौधे को भी। इतना ही नहीं स्त्रियाम शम्याम अध पुष्प्याम मिसी शुक्ल वचा सुच रोचनायाम अथो दग्धनी क्लीबम शिव करे त्रिशु इतिमेति। स्त्रीलिंग में हो तो शय्याम अध शय्या स्त्रीलिंग में होगा तो शमी शमी का पेड़ में शम्याम अध पुष्प्याम तो नीचे की ओर पुष्प देने वाले पौधे शुक्ल वचा सुचा माने सत्य वचन। रोचनायाम गोरोचन एक पौधा होता है जड़ी बूटी अथो दधनी क्लीबम शिवकरे त्रिशुच नपुंसलिंग में वो दही अर्थ में नपुंसलिंग हो जाता है मंगलम और शिवकरे कल्याणकारक वस्तुओं में भी तीनों लिंगों में चला जाता है। इति मेदिनी तृणादिशु पंचम पाद हो इस पर वर्णादियों का पंचम पाद प्रतीका तत्वदिन का पूरा हो गया। अब यहाँ कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं जो वर्णादियों में गलतियाँ हैं मूल में टीका में कुछ कुछ संकेत करते देखिए। वर्णादि प्रत्यासंति पादोत्तर शतत्रयम् तेषां विवेचनं त्वत्र ज्ञानेन्द्र स्वामी भी कृतम्। इनका नाम था ना ज्ञानेन्द्र सरस्वती इनके द्वारा किया गया है विवेचन किसका वर्णादि प्रत्ययों पर विचार किया गया जो कि कितने हैं 325 है। पादोत्तर शतत्रयम् शतत्र में 300 एक 500 का कितना होता है 25 लगभग 325 प्रत्यय है बोल रहे उस पर हम संक्षेप विवेचन करना चाह रहे हैं। प्राचातु कतिपयानाम एव उणादीनाम उपन्यास कृतो न तो सर्वेशाम। प्राचीन वैयाकरण लोग जो है कुछ कुछ उणादियों का ही उपन्यास किया है सभी को ग्रहण नहीं किया। सोपि उपन्यासो नैक प्रकटकतया कृत एक जगह एक साथ जैसे यहाँ पढ़ रहे हो वैसे वहाँ प्राचीनों ने संग्रह नहीं किया किंतु विच्छिद्य इति स्पष्ट कहीं किस सूत्र के अंदर कुछ पढ़ लिया किसी सूत्र में पाणिनि का अलग अलग सूत्र में थोड़ा इधर थोड़ा उधर पढ़ लिए। तत्रापि केचित् प्रमादा मनोरमायां प्रदर्शिता और उनमें भी जो प्रमाद है उन प्रमादों को प्रौढ़ मनोरमकार ने स्पष्ट ही दर्शाया है। तेषवे कांचित प्रमादान दर्शयामा उनमें से मैं कुछ प्रमादों पर प्रकाश डाल रहा हूँ जैसे सबसे पहला भजोण भी इति भी प्रकरणे छंदसी सह वाश्चित उपन्यस्य परो व्रजे श पदांत इति तेनैव शह परिव्राड तेनैव शह परिव्राड इत्ययम् ही प्राचो ग्रंथः तद्व्याख्यायां तत्पौत्रेण पंचपादी सूत्रे इदं पठ्यते इत्युक्तं तदुभयमपि प्रामादिकम् दोनों ही प्रामादिक है। कहते भजोन भी इस प्रकरण में लेकर के छंदसी सा और वाहश्च इस सूत्र को उपन्यास करने के बाद परोव्रज है शब पदांते इति न्वी ही उन्होंने कहा न्वी प्रत्यय होगा तेनैव शाह उसके द्वारा शाह प्रत्यय भी होगा कह करके
रूप बनाया उन्होंने, परिव्राट बना दिया, व्रज के चकार को मूर्धन्य षकार भी कर दिया और अण्वीय प्रत्यय सर्वापर लोप कर दिया, तब परिव्राट बनाया उन्होंने। अयम ही प्राचो ग्रंथ, तब ये प्राचीन व्याकरण ने कह दिया। और उसकी व्याख्या में तत्पौत्रेण, उनके पोता ने पंचपादी उन्नाई सूत्र की व्याख्या करते हो तो भी ऐसे ही बोल पड़े, इदम पठ्यते इत्युक्तम तद उभयमपि प्रमादिक, दोनों ही बात प्रामादिक है। क्यों? क्योंकि परो व्रजेश पदांत सूत्र है 260, 260 है उणादि के अनुसार, और वो क्विब वचीति क्विब दीर्घौ ही प्रक्रम्य परो व्रजेति सूत्र से पाठात, अद क्विप का है अण्वी है नहीं, और वहीं पर दीर्घ उसी वार्तिक में क्विप वचित है, सूत्र क्या करता है क्विप करता रहा और दीर्घ असंप्रसारण एक सूत्र में कहा दीर्घ असंप्रसारण असंप्रसारण करता है, तो असंप्रसारण कार्य कर रहा है ना, उसी सूत्र के बाद ये सूत्र पढ़ा है परोव्रजे, अतएव अण्वी का प्रसंग ही नहीं यहाँ पर, न श करने का प्रसंग है सूत्र के द्वारा। इस सूत्र से पाठा अस्मिन् अंशे पंचपादी दशपाद्योर एक वाक्यत्वात्, इस विषय में तो पंचपादी और दशपादी उणादि दोनों में कोई विरोध नहीं, एक वाक्यता संपन्न हो जा रहा है। यदि भी प्राचो ग्रंथे, एक और बात प्राचीन ग्रंथकार ने कहा, क्वचित पठ्यते चुनीति नी विनेकर चुन प्रत्यय करना चाह रहे हैं, इति तदपि अपाणिनीयत्वात् उपेक्षा, वह भी अपाणिनीय सिद्धांतों से उपेक्षा कर देनी चाहिए। एतेन प्रकटकांतरे स्तूत्रु परिव्राजाम दीर्घश्चित के चिति प्राचो ग्रंथोपि प्रत्युक्त, कुछ लोगों ने दूसरे प्रकटक में जाकर ऐसा भी बोला स्तूत्रु परिव्राजाम, ऐसा भी ले दिया परि और व्राज रख दिया है, दीर्घश्च ऐसा उन्होंने पाठ किया, वह प्राचीन ग्रंथ भी प्रत्युक्त हो जाता, खंडित हो जाता है। सूत्रारूढ़े सर्वसम्मते चार्थे केचित् इत्युक्ते है अप्रामाणिकत्वात्, सूत्र में आरूढ़ सर्वसम्मत च अर्थ में है ऐसा जो कुछ कहना है कि चार्थे केचित् इत्युक्ते ऐसे जो उक्ति है वह अभी अप्रामाणिक ही है। यदि एक प्रसंग हो गया, दूसरा आरंभ करते हैं। यद्यपि दूसरी बात यह जो कहा है उन्होंने, धनर्ती चक्षिंग वपि तपि जनि यजे रुसा इसीति पठितम तदपि अनाकरम, वो भी आकरण सम्मत नहीं है। तथा ही जनेर उसी उन्होंने लगाया, अर्ति प्रिय वपि यजि तनि धनि तपिभ्यो नित एतेर निच्च चक्षे शिच्च इति सर्वसम्मत पाठ, ये वास्तविक पाठ है सूत्र का। उन्होंने पाठ भी क्रम बदल दिया, धन अर्ति चक्षिंग वगैरह ले लिया, वास्तव है क्या अर्ति प्री जने रूसी पहला है, उसके बाद अर्ति प्री वपी ये जी तनि धनि तपिभ्यो नित और एतेर निच्च चक्षे शिच्च, ये क्रम है पाठ सूत्रों का। आईतेर निच्च एतेर निच्च होना चाहिए ना, एतेर निच्च 275वां सूत्र दूसरे खंड में आता है, दूसरे पाद में फिर संख्या 701 में बीच वाला कॉलम में तीसरा ए तेर निच्चा, ये सूत्र था आई तेर नहीं, वो गलत छपी है, ए तेर निच्चा बनाना उसको, चक्षे शिच्च करके क्रम है वो सूत्र क्रम दे दिया पूरा। यदि सर्वसम्मत पाठ का क्रम ये है और उन्होंने सारा इधर आगे पीछे करके उल्टा सीधा प्रयोग किया है, तपूंशि तस्मय वपुषो वपुष्ठरम इत्यादि मंत्रेशु आज जात तया अनुकूलश्च, आज जात अगर अनुकूल भी हमारे लिए पड़ता है, वेदभाष्य एवमेव स्थितम, यहाँ भी एवमेव हो गया है, वेदभाष्य में भी यही इसी प्रकार स्थित है इत्यादि द्वितीय पादे प्रमाद, द्वितीय पाद अंतर्वर्ती प्रमाद को दिखाया गया। तृतीय पादे अपि स्तनि दूषी पुषी गदी मदी हृदय भ्योन्नेरिति अनुचिति प्राचा पठितम, तत्र दूषी हृदय केशामपि वृत्तिकृतां ग्रन्थे न पठितो, सूत्र में तो अधिक घुसा दिया प्राचीनों ने, अन्य किसी भी में नहीं मिलता, दूषितनो हृदयितनो हृदय प्रयोग अपि आकरे न दृष्टः, तनि ऋषि पुषि मुदि
गति मदिव्यति पंचपादी पाठ, ये था वास्तविक पाठ। घुषिक गंधी मंडी जनि गमिभ्यः इति दशपाद्यम अधिकम पठितम इति अन्य देतात। तीसरा हो गया। चौथा एक और, यद्यपि श्रू दक्षिण स्प्री गृह द्रिजरीभ्य, ये 396 का है, वो 329 का था, वो पहले विचार 329 का, ये 396 पर विचार बता रहे हैं। आय्य इति पठित्वा दराय्य जराय्य इति प्राच उक्तम, इन तदपि न द्रिजरी ग्रहण से आकर अनारूढ़त्वात्, द्रि और जी जो इस सूत्र में अधिक जोड़ दिया किसी ने, वो आकर ग्रंथों में नहीं है। यद्यपि जरी विषिभ्याम झच गंडी मंडी जनी नंदीभ्यश्च इत्युक्त्वा गंडयत्यो जनयन्त इत्युदाहृतं प्राचा, यच्च गंडयन्त इति प्रतीकम उपादाय मेघनामेदम इति व्याख्याय घड़ीवद नैगदेशीति व्याख्यातिर्विवृतं तत्सर्वं प्रामादिकम्। वैसे कह रहे हो जी, ये सारी बात प्रामाणिक है, तथाई सुनो। गुणादिशु घड़ी निरनुषिजम पठित्वा घड़ सेचन विवृतम, ये गुणादि में घड़ी ऐसा अनुबंध रहित पाठ किया गया और घड़ सेचने ऐसे विवरण किया गया। अच्छा, घड़ सेचने तो गंड कहाँ से हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। इति विवृतम अयामंतरित सूत्रे वृत्ति न्यास हृदत्तादि सकल ग्रंथेशु एवं माधव ग्रंथोपि एवमेव युक्तं चेत, और उचित भी ऐसे करें, गढ़ सेचन से करना, गंड न करे, गढ़ कहना ही ठीक है। क्यों? मेघ इति व्याख्यानम प्रति सेचनार्थ सेवा अनुगुणत्वात्, मेघ ऐसे व्याख्या जब कर ही रहे हो, अर्थ भी वहां घटाया जा सकता है यदि सेचन अर्थ वाले धातु लूंगा तो। जने हे पाठोपि अप्रामाणिक, और उस सूत्र जन धातु को भी घुसाया है वो भी अप्रामाणिक है। जी धातु पठित्वा जयंत पाक शासन ही इस सर्वैर्विवृतत्वात्, कि जी पाठ लिया वहाँ पर जन धातु नहीं लिया। जनयंत यदि लक्ष्य से कैरपि अप्रदर्शितत्वात्, और जनयंत रूप बनाकर जो दिखाया वह लक्ष्य किसके द्वारा भी दर्शाया नहीं है। अप्रसिद्धत्वा चैत्यादि तृतीय पाद प्रमाद, इसे तृतीय पादांतर्वर्ती प्रमाद है। अतः चतुर्थे चौथे पाद बता रहे, यद्यपि क्री ग्री स्त्री जागृभ्यक्न कीर्वी गीर्वी स्थिर्वी इति प्राचोक्तम तदपि लिपिभ्रम प्रत्युक्तम एव, लिपि का भ्रम पूर्व प्रत्युक्ति ही है। क्री विक्षेपे ग्री निगरणे स्त्री आच्छादने इति प्राचो ग्रंथम विवृण्वताम उक्तिरपि मूल अशुद्ध्यै, मूल शुद्ध्यै वा अशुद्धा, मूल के अशुद्धि कारण से या खुद अशुद्ध लिख दिए हैं। जी श्री स्त्री जागृप्य कुनीति ही पाठ गुणादिवर्ती कृताम माधवादिनाच सम्मत, इतना ही पाठ वास्तव में सम्मत था। क्री श्री स्त्री, क्री ग्री स्त्री नहीं, श्री स्त्री है वहाँ पर, माधवादिनाच सम्मत। चिर्वी पशु शीर्वी हिंस्र स्थिर्वीर अध्वर्युति च तत्त ग्रंथेशु उपपायतम। स्त्री इत्यस्य दीर्घांतत्वे एव हि रीत धातु इतिम लभ्यते न तो ह्रस्वान्तत्वेपि, और स्त्री भी दीर्घांति लेना पड़ेगा, ऐसे लेने पर ही वास्तव में रीत धातु से इत्व की लाभ होता है, न तो ह्रस्वान्त, ह्रस्वान्त लेने पर नहीं होगा। तस्माद यथा आक्रम्य वही गृहीत उचितम इति, दिख इसे जैसे आकर ग्रंथों में वर्णन किया गया है प्राचीन हमारा गुणादि ग्रंथों में भाष्कर आदि के द्वारा भी उसे ग्रहण करना जो उचित है। यद्यपि प्राचा उक्तम, यद्य ये जो प्राचीन आचार्य ने कहा है ग्लाज्या हाथ त्वरिभ्यो निहिति तदपि अनाकरम, वह भी अनाकर है। आकर ही वीज्या ज्वरिभ्यो निहि इति पठित्वा सूत्रद्वय अनंतरम वही श्रीति सूत्रे ग्ला हाथ त्वरिभ्यो नित इति सूत्र तत्वा, ये क्रम उन्होंने रखा है। तूर्णी रथ सदा नव इत्यादि वायुजात दर्शनाचेत वायुजात भी देखा गया। न च स्त्रियां तीन इत्यधिकारस्तम वार्तिकम एव इदम प्राचा उदारतम, न तो उणाय सूत्रस्तम इति न च वाच्यम, ऐसा कोई कह सकता है अरे स्त्रियां सूत्र जो वार्तिक को उन्होंने पाठ किया है ये उणाय सूत्र ही नहीं है, वार्तिक दर्शा दिया है, ऐसा नहीं कहो। एवमपि त्वरते पाठस्य
अनुच्छेद होता है, फिर भी त्वरित है, त्वरित धातु जो प्रयोग किया वो अनुच्छेद है, तो वार्तिक में त्वर धातु है नहीं, नहीं असो वार्तिक अस्ति इति दिक्। एवं एक और दोष दिखाएंगे, संस्थाने स्थायते ड्रट इत्यपि प्राचा उदाहरतम अनाकरम। स्थायते ड्रट सूत्र में संस्थाने करके विग्रवा करके जो प्रयोग किया वह भी उचित नहीं है। स्थायते ड्रट इत्येव स्थायते ड्रट इत्येव सूत्र से आकरे संस्थाने स्थायते ड्रट ऐसा नहीं है, इतना ही है स्थायते ड्रट सूत्र आकरंतों में। पंचपाद्याम दशपाद्यां च उपलम्बात, उपलम्बात हो गया है, उपलम्बात बनाओ इसको, दोनों जगह ऐसे ही उपलब्ध है। संस्थानिस्त्यातिर ड्रट स्त्री सूते प्रसवे पुमान इति भाष्ये लोकपाठ स एव माधवेन उपन्यस्त न तो सूत्रपाठ से तत्व दृश्यता है। उन्हें लोकानुसार ने समझाने के लिए भाष्कर ने लिख दिया था संस्थानिस्त्यातिर ड्रट स्त्री सूते सब प्रसवे पुमान इत्यादि प्रयोग किया उन्होंने। इन्होंने वाक्य के द्वारा जो समझा रहे हैं उसका मतलब यह नहीं कि संस्थान के सूत्र में तुमने जोड़ दो। एवं तद ग्रंथ व्याख्यात्री नाम अपनी प्रमादा उया हा, इस तरह से उस ग्रंथ के में व्याख्याता लोगों ने जो प्रमाद किए वो उसका वो आप होकर लेनी चाहिए। तदता पाणिन्यादि मुनीनी पाणिनि मुनीन इति व्याचक्षाणैर उक्तम। पाणिन्यादि मुनीन इति ऐसे व्याख्यान करते हुए लोगों के द्वारा कहा गया मनेर उच्चोपदाया हा इति नहीं एवं विधम सूत्रम पंचपाद्यम दशपाद्यम वस्त। मुनि शब्द की व्याख्या करते हुए क्या कर दिया मनेर उच्च उपदाया ऐसे ही प्रत्यय कर दिया, मन धातु को उपदा के उकार कर दिया, मुनि बना लिए, ऐसे व्याख्यान कर दिया लोगों ने, इन वह भी ठीक नहीं है। इस प्रकार का कोई सूत्र वास्तव दशपादी में है ही नहीं। अतैत्य अनुवर्तमान किंतु अतैत्य अनुवृत्ति करके मनेर उच्च इत्येव सूत्र तत्व जितना ही सूत्र है उसी सूत्र से मुनि बन जाता है। इसे चतुर्थ पादे प्राच प्रमादा, इस प्रकार से संकेत मात्र करके दिखा दिया जो है उणादियों के विभिन्न पादों में प्राचीनों के दरकृत और उनके व्याख्याताओं के दरकृत प्रमादों को दर्शाया। अतः उत्तर कृदंत प्रकरणाम, अब उत्तर कृदंत प्रकरण आरंभ होता है। उत्तर कृदंत का पहला सूत्र ये जो आप पढ़े हैं जितना उन सबको पाणिनीय सम्मति दिखाना है। उणादि जो आपने पढ़े पंचपाद इसे जो भी आपने रूप बनाया है वो सब का कृत संज्ञा होगा, कृत संज्ञा होने से या कृदंत होने से प्रसंज्ञा होगी, प्रसंज्ञा सब साधु रूप बन जाएंगे अन्यथा नहीं होगा, पाणिनि सूत्र से पद असाधु पद रह जाएंगे। इसे पाणिनि सूत्र ला रहे सबसे पहले उत्तर कृदंत में उणादयो बहुलाम, उणादयो बहुलाम, उणादय प्रत्येक बहुचन बहुम प्रतिमा का एक वचन एते वर्तमान संज्ञायांच बहुम स्यो, ये जो उणादि जो प्रत्यय है ये सब वर्तमान काल अर्थ में ही अधिकतर प्रयोग करना है, कहीं कहीं कर्मणी करण आदि भी अधिकरण आदि अर्थ लिया जाएगा, इन अधिकतर वर्तमान काल ही लेना है, भूत और भविष्यत नहीं लेना, और संज्ञा अर्थ में लेना अधिकतर करण आदि अर्थ में नहीं लेना। वर्तमान और संज्ञायांच बहुलकात प्रयोग होता है। केचित अभितापि उया बहुलम क्यों कह दिया आपने, उणादियो वा कहते सूत्र लाघव था, कहते नहीं नहीं कुछ अविहित भी है यहाँ पर जिनको भी वाप करना पड़ेगा, या ये धातु है या ये प्रत्यय है कल्पना करनी पड़ेगी, अतएव बहुलम कह दिया। संज्ञा सुधातु रूपाणि प्रत्ययाश्च तत्परे कार्याद विद्याद अनुबंधम एतत् शास्त्रम उणादिशो, भाष्यकार ने श्लोक बना करके उणादि बहुलम का तात्पर्य बता दिया। धातु रूपाणि धातु का स्वरूप, प्रत्ययाश्च क्योंकि हो सकता है ऐसे भी धातु है जो धातु पाठ में है ही नहीं, इसे सौत्र धातु बोलते हैं, उणादि सूत्र पर सौत्र धातु। संज्ञासु संज्ञाओं में धातु रूपों का और प्रत्ययों का तथा परे उनके पर में आए जो प्रत्यय, इन सारी चीज को कार्याद विद्यात कार्य से ही समझा जाएगा, कार्य को देखकर रूप को देखकर के का अनुबंध लोप होता है का अनुबंध नहीं लोप होता है ये भी कार्य का निर्णय होगा। कार्याद विद्याद अनुबंधम एतत् शास्त्रम उणादिशो, ये उणादियों में एक विशेष अनुशासन है समझ लीजिए।
टीका अथ उत्तरग्रंथ प्रक्रिया निरूप्यन्ते उणादिबोलमिति तृतीयाध्याये तृतीयपादसिद्धम् आदिमं सूत्रम् वर्तमाने संज्ञायां चैति वर्तमाने लट् इत्यतः अर्पुवा संज्ञामिति तश्च तदनुवृत्ते इसके अनुवृत्ति कर लिया जाता है। अतएव नई हन एह च इस सूत्र में नई पूर्वाधन्ते असी प्रत्यय प्रकृत है यह आदेशे व्युत्पन्ना अनेह शब्द वर्तमान काले एव इत्युक्तम भाष्ये भाष्यकार ने इसको भी वर्तमान कालीन में ही घटाया है। संज्ञा शब्द चत्र रूढ़ शब्द पर संज्ञा शब्द क्या है यानी कि व्यक्ति का प्रसिद्ध नाम ही हो रूढ़ में तात्पर्य है। वैदिका नाम अभी शब्दानाम उपलक्ष नाम इसे वैदिक शब्दों को भी यहाँ उपलक्षित किया गया है। अतएव नैगम रूढ़ भवम भी सुसाधु इति वार्तिकम वार्तिक कारण इस बात को स्वीकार करते हुए इस प्रकार से कहा है। वैदिका रूढ़ शब्दाश्च औणादिका इति भाष्यंच संगच्छते और उस वार्तिक पर भाष्यकार ने लिखा वैदिका रूढ़ शब्दा और औणादिका इति भाष्यम संगच्छते रूढ़ाश्चैत्ये उणादि प्रत्यंता मैंने उणादि प्रत्यंत क्या है सब रूढ़ है अवयवार्थ शून्य आप अवयवार्थ की कोशिश नहीं करना धातु का अर्थ घटाऊंगा प्रत्यार्थ कुछ घटाऊंगा ये कोशिश नहीं करना। असंतम अपि अवयवार्थम आश्रित्य प्राय कर्तृ उत्पाद्य जो धातु और प्रत्यय में जो अर्थ नहीं है ऐसे अविद्यमान अर्थ को भी आश्रय करके आपको जो है प्राय कर्तृ में ही उत्पत्ति करना कर्मणी और भाव में नहीं। उणादियो वा इत्यनुक्त्वा बहुल ग्रहण से प्रजनम्मा केचित अविहिता अपि उह्यायिति तदेवा संज्ञास्तु इत्यादि भाष्यस्तो अयम श्लोक डिथ डिपिथ इत्यादि धातु रूपाणि प्रत्याश यथासंभव उह्या क्या ऐसे कोई धातु में है ही नहीं पाणिनि सूत्र धातु पाठ में। गुण निषेधादि कार्यवशात अनुबंधम च विद्यात गुण निषेधादि कार्यों को देखते हुए अनुबंध का निश्चय कर लिया का कि संज्ञा होगा या नहीं होगा। अनुबंधम इत्यत्र अनुबंध में दीर्घ उकार क्यों कर दिया भाष्यकार ने उपसर्गस्य घञ मनुष्य इति दीर्घ एतद् उणादिषु शास्त्रम शासितव्यम ये भाष्य की पंक्ति का अर्थ कटार इस प्रकार से उणादि शास्त्र में शासन करनी चाहिए। क्रीत्वा पाजी इत्यादि सूत्राणि तो शाकटायन प्रणीतानि इसे सब सूत्र क्या है शाकटायन प्रणीत है। अस्यैव बहुल ग्रहण से प्रपंच इत्यर्थ बहुल ग्रहण का ही ये सारा प्रपंच समझो पाणिनि ने जिसको बहुलम सबसे कहा है उसको शाकटायन वर्ष ने इतने 747 सूत्रों के द्वारा समझाया 748 सूत्र हैं। हाँ कहे दो को एक करो बोलते ऐसे तो बहुत कम होते 700 ही बोला जाता है इसलिए लगभग तत्वबोधिनी उणादि बोलम वर्तमान लट् इत्येतत् वर्तमान ग्रहणम पूर्व संज्ञायाम् इत्येतत् संज्ञा ग्रहणं च वर्तते तदाह एते इति अत्र सूत्रे धातो प्रत्ययः कृतिङ् इति च वर्तते इन सब की अनुवृत्ति है। तेन क्रीवापाजी भी इत्यादिना विहितानाम् अष्टाध्यायी बहिर्भूतानाम् अपि अष्टाध्यायी बहिर्भूत होने के बावजूद भी उणादीनाम् प्रत्ययसंज्ञा कृत संज्ञात सिद्धि उणादियों का प्रतिसंज्ञा होगा और तो कृत संज्ञा भी होने से तार्स प्रत्यंतों को कृदंत करके तथा च उणादि प्रत्यय सर्वे धातो परत्र कर्त कृत्यति कर्तृत्वे भवन्ति उणादि प्रत्यंतस्य कृत समाचित से इति प्राय संज्ञायां स्वादुत्पत्ति इत्यादि सर्वमपि इष्टं सिद्ध्यति। अपरिपूर्णानां उणादीनां परिपूर्णार्थं बहुल ग्रहणं तस्वलंबा केचदेविता अपि उह्यन्ते ऋषेरुलच विहिता सतु शंकेरपि शंखधातु से भी होगा ताकि रूप क्या बनेगा शंकुल प्रयोग दर्शनात् किंच इतना ही फिड फिड प्रत्यय कल्पना करूंगा कुत्रा बिना विहित इन अर्थिर्ते रिगत धातु से उन दोनों प्रत्यय ऊहा कर लेंगे और रूप बनाएंगे रिफिडा रिफिड इति तय कित्वंच और दोनों पर कितने भी मान लूंगा तगरी को गुंडा हो गए ये सब कल्पना की जाती है अविहित भी तथा इसी प्रकार से षंडा इत्यत्र सप्तभावश्च धातु ऐसा नहीं हुआ षणु धाव से बनाया हमने ढ प्रत्यय कर दिया इन धातु ऐसा नहीं किया ये भी जो निपातन समझना। संज्ञास्विति अनाय संज्ञासु एव न तो सर्वास्वित्यर्थ
या न्याय संज्ञा में लेना है, आधुनिक संज्ञा टिट्टू बिट्टू भी बनाने लगो, यहाँ ही सब कुछ कल्पना करो, धातु और प्रत्यय कल्पना करके कौन ये भी साधु है, व्याकरण के अनुसार बनता है टिट्टू शब्द भी ऐसे नहीं करना है। इसीलिए अनाज संज्ञा से एवं न तो सर्वासु इत्या हो ऋषय रुला चित्त्यादि वही बात कह रहे, यदि प्रत्यय दृष्टवा शंकी प्रकृति रूहते तेन शंकुला सिद्धम ऋगत इत्यादिभ्य फिट फिट इत्यादि प्रत्याक्रियंते कार्यादि रिफिड इत्यादो गुण प्रषेदादि कार्य अनुरोधाद अनुबंधन ककारादिकम विद्यात अनुबंध ककारादि उनका कित धर्म का वो कर लेंगे। और अनुबंधम स्वयं भाष्कर ने दीर्घ पाठ कैसे कर दिया, उपसर्ग से घी दीर्घ हो ये तो शास्त्रम शासितव्यम इत्यर्थः।